राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी ने सोमवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन स्थित कमेटी हॉल में विश्वविद्यालय के इंटरनल कमेटी के साथ बैठक किया। बैठक में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी ने महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं कानूनी उत्थान के संबंध में वार्ता की और कमेटी के सदस्यों द्वारा अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की। बैठक में बाल संरक्षण अधिकारी डॉक्टर सुमन शुक्ला, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर ओम प्रकाश, प्रोफेसर नंदिता, प्रोफेसर विनीता पाठक, प्रोफेसर दिव्या रानी सिंह, प्रोफेसर सुधा यादव, अनुभूति दुबे सहित अन्य प्रोफेसर मौजूद रहे। इस दौरान मिशन शक्ति अभियान के साथ महिला हेल्पलाइन, महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सहित अन्य योजनाओं पर चर्चा की गई तथा महिलाओं के सामाजिक उत्थान की रोकथाम सहित महिलाओं के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन के प्रचार प्रसार के निर्देश दिए गए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी ने कहा, इस तरफ सीनियर फैकल्टी हैं, आप और कुछ मेंबर्स से मिलना चाहती हैं विमेन इश्यूज को लेकर, तो आप आई थे, अभी आप आई हैं तो आपने बताया है कि आप इंटरनल कंप्लेंट कमेटी यूनिवर्सिटीज़ की इस एरिया के बारे में जान, और विमेन यूनियंस भी बहुत सारे हैं और हम लोग कर्मचारी भी हैं और उनकी संख्या काफ़ी है और हम लोगों के यहाँ यूनिवर्सिटी में, परंतु जब से ये इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनी है तब से ये, क्योंकि मार्च अप्रैल में बनी है और क्योंकि अभी हम लोगों ने सुषमा जी भी अपना कुछ बताए अनुभव शेयर करें, इसके अलावा जो इस पे की कोई भी अपना कंप्लेंट होता है, चाहे रैगिंग का है चाहे विमेन स्पेसिफिक है, तो उसके बारे में कंप्लेंट या जब अनुभव होता है तो उसके भी हैरेसमेंट होता क्या है, किस चीज पे अगर कोई अनईजी फील कर रहा है, के बारे में वो है कि वो वहीं पे जो है वो एक बार उसको सुलझाने का प्रयास किया जाए। तत्वधान में हम लोगों ने एक विमेन्स लीगल राइट्स अवेयरनेस प्रोग्राम कराया था जिसमें काफी संख्या में खूब ही जानती, कल ही अभी नए बच्चे जब एनरोल्ड हुए तो करीब 100 की संख्या में वो लोग थे और हम जब उनको ट्रेनिंग देने के लिए, तो पहला सेशन हमारा होता है कि हम उनको मोटिवेटिंग लेक्चर देते हैं कि कैसे आप, हाउ टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी, हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, हाउ टू सिट, ये पहले मेन चीज़ होती है। उसके बाद हमने बताया कि अभी आप एनसीसी में नए नए आए हो, आप उतने सक्षम नहीं हो कि आप अपनी लड़ाई खुद शारीरिक बल से आप लड़ सकते, लेकिन अगर आपको दिक्कत लगे समाज में कहीं अकेले आपको जाना है तो चूंकि बीइंग एनसीसी कैडेट अब यू कैन पुट ऑन योर यूनिफॉर्म, आप अपनी यूनिफॉर्म पहन के अगर बाहर ट्रैवल भी करो या कहीं ऐसी जगह जा रहे हो तो आप महसूस करोगे कि लोग अपने आप रास्ता क्लियर कर देते हैं। तो अगर सारी जानकारी आप ले लो, वो अनआर्म कॉम्बैट का सारा पैतरे अगर आप सीख लो और लोगों में, समाज में अगर इस बात की अवेयरनेस हो जाएगी कि ये छात्राएं, इस विश्वविद्यालय की छात्राएं हैं जिनको अनआर्म कॉम्बैट आता है, तो ये जो स्ट्रीट हीरोज होते हैं वो अपने आप इन गलियों से दूर भाग जाते हैं। जब तो इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि इंक्वायरी आप किस स्तर तक कर रहे हो, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं इसकी बहुत सी चर्चा नहीं करना चाहती, आप सब सक्षम हो इसको जानते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर करना चाहती हूँ कि आप अपनी रेगुलर मीटिंग्स भी करें और इसके साथ ही साथ जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको इसके बारे में कहा भी गया है कि आपको इसका प्रचार प्रसार करना है, बच्चों को पता होना चाहिए कि आपके पास, मतलब सारी फैकल्टी को, बच्चों को, सबको पता होना चाहिए कि ऐसी कोई कमेटी बनी हुई है जो आपकी समस्या के समाधान के लिए है, तो उसका प्रचार प्रसार बोर्ड पर आपने लगा रखा है, आपने उस ढंग के आपने ये पोस्टर्स बना रखे हैं उनको हाईलाइट करना, तो ये जगह जगह आपकी यूनिवर्सिटी में दिखाई देना चाहिए कैंपस में, ताकि लगे कि हाँ ये है, उसमें आपको एक्ट के साथ में कि इसके तहत ये कार्रवाई हो सकती है, इसके तहत ये कार्रवाई हो सकती है, इसके साथ आप दोगे तो जो कुछ ऐसे तत्व हैं वो थोड़े सावधान भी होंगे। देखिए अभी हम लोगों का एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑल ओवर इंडिया की, उसके अंदर जो इंटरनल कमेटी है उनका हम सर्वे कर रहे हैं कि उनकी इंटरनल कमेटी जो है वो किस ढंग से काम कर रही है, उनको सारे नॉर्म्स की जानकारी है या नहीं है, रेगुलर मीटिंग्स उनकी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, उनके पास कंप्लेंट्स किस स्तर की आती हैं, इसकी जानकारी, क्योंकि लोगों को बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में या बहुत सारे संस्थानों में ये इंटरनल कमेटी तो बनी हुई है लेकिन उनको प्रावधान की विस्तृत जानकारी
फैसिलिटी नहीं होने से शायद न्याय देने में उतनी सहूलियत नहीं हो पाती है। इसलिए हमारी कोशिश अभी चल रही है कि जितनी भी ऐसी कमिटीज़ बनी हुई हैं उनको हम सशक्त करें, ताकि जो महिलाओं को न्याय हम दिलाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हम सफल हो सकें। इसीलिए दरमियान आज मुझको गोरखपुर विश्वविद्यालय का मेरा विजिट का कार्यक्रम था और यहाँ की आंतरिक कमेटी के साथ में जो अभी मेरी बैठक हुई उसमें सारे जितने फैकल्टी के हैं मेंबर्स उनके साथ जो उपलब्ध थे उनके साथ मेरी बैठक हुई और एक अच्छी सार्थक बातचीत हुई। ये लोग अपना जिस कार्यक्रम में लगे हुए हैं जो जो कार्यक्रम इनके माध्यम से चल रहे हैं उसकी विस्तृत इन्होंने जानकारी दी और मैंने भी उनको कुछ सुझाव दिए कि आंतरिक जो समिति है उसको सशक्त करने के लिए और क्या क्या कदम उठाने चाहिए, इसकी जानकारी आज लेन देन किया गया। मुख्य रूप से मिशन शक्ति योजना भी भारत सरकार इसको लेकर भी कोई चर्चा नहीं। हाँ, इसकी भी चर्चा हुई। इन लोगों ने मिशन शक्ति के तहत जो ये कार्यक्रम चला रहे हैं उसकी विस्तृत चर्चा यहाँ पर की गई है, क्योंकि जैसा सबको पता है कि यहाँ पर शारदीय नवरात्र से वासंतिक नवरात्र तक ये कार्यक्रम चल रहा है मिशन शक्ति का, जो पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है और ये उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जिसके माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने की विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं। उस पर भी बहुत चर्चा हुई कि यहाँ पर ये लोगों ने पूरा अपना ग्रुप बना के जिस ढंग से कार्यक्रम चला रखे हैं उसकी विस्तृत जानकारी इन लोगों ने दी। मुझको अच्छा लगा कि यहाँ इसके माध्यम से भी ये लोग महिलाओं को अवेयर करने की, उनको सशक्त करने की, उनको जागरूक करने की सारी कोशिश कर रही हैं, उसकी भी चर्चा चली। यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा परिसर भी होता है, कैंपस भी होता है, बिल्कुल स्कूल की जो महिला हेल्पलाइन है या महिला के लिए जो कानून बने हैं उसकी जागरूकता के लिए कुछ पोस्टर है। बिल्कुल, मैंने कहा कि महिलाओं को कानून बहुत सारे बने हुए हैं जो महिलाओं के संदर्भ में हैं, लेकिन उसकी जानकारी के अभाव में वो लोग न्याय के लिए उचित स्थान पर उचित समय पर पहुंच नहीं पाते हैं। तो मैंने आज इस विश्वविद्यालय के जो फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पर उपस्थित थे, रजिस्ट्रार यहाँ पर उपस्थित थे, मैंने उनको ये सुझाव दिया है कि इसके बारे में प्रचार प्रसार की आवश्यकता है, विस्तृत जानकारी, जागरूकता शिविर, इसके माध्यम से बालिकाओं तक, बालकों तक इसकी जानकारी पहुँचाई जाए ताकि वो सही समय पर कानून का सही उपयोग कर पाएँ। इसकी जानकारी देने के लिए इनको प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है। तो मैंने भी बताया है कि आप अपने यहाँ पोस्टर्स के माध्यम से, आपके जो बोर्ड होते हैं, नोटिस बोर्ड्स होते हैं, उस पर ये सूचनाएं चिपकाइए ताकि लोगों को जानकारी हो कि हमारी सुरक्षा के लिए ये कानून बने हैं, हम इस स्तर तक जाकर वहाँ पर अपने लिए न्याय ले सकते हैं।